नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं इस गौ माता को, और ये गौ माता आपको बता दूं मैं मात्र 45 दिन में एक बच्चे को भी जन्म देने वाली है, और इसका एक पैर एक्सीडेंट में टूट चुका है। आज हमने इसको प्लास्टर कर दिया है और 45 दिन इसको इसके पैर जुड़ने में लगेगा। आशा करता हूं मैं कि गौ माता का पैर जल्द से जल्द जुड़ जाए और इसको एक नई जिंदगी जीने का मौका मिले। उससे पहले आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सपोर्ट। राम 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 जय राम 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 राम। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने गाय माता देख ही रही है, आप देख सकते हैं कि इसका ये वाला पैर बिल्कुल यहाँ से हड्डी ये पूरी फ्रैक्चर हो चुकी है। देखो आप देख सकते हैं बिल्कुल पैर फ्रैक्चर है, और हम आज इसको प्लास्टर करेंगे और प्रयास करेंगे गौ माता को जल्द से जल्द सही कर सके, स्वस्थ कर सके। वीडियो पे बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय गौ माता, जय गोपाल। से गौ माता चल सके और प्रयास करेंगे इसको जल्द से जल्द सही करने का। इसमें हमने आयुर्वेदिक दवाई लगाई है सारी, जितना भी संभव प्रयास होगा गौ माता को बचाने का प्रयास करेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सभी भाइयों तक इस बात की जानकारी पहुंचाएं। आपको बता दें ये गौ माता 1.5 महीने में एक बच्चे को जन्म देने वाली है,
और एक्सीडेंट में इसका पैर टूट चुका है। ये बहुत परेशान है और बहुत पीड़ित है। मैं आशा करता हूँ आप सभी से कि आप सब भोलेनाथ से प्रार्थना करें, इस गौ माता को नया जीवन जीने का एक मौका मिले। जय गौ माता, जय गोपाल।